नमस्कार। एनडीटीवी से इस्तीफा देकर यूट्यूबर बने देश के बड़े पत्रकार और एंकर रवीश कुमार क्या अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सके हैं? सुनने में तो हो सकता है आपको अजीब लगे, क्योंकि रवीश कुमार मीडिया और पत्रकारों की आजादी पर खूब बोलते हैं। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार हर्ष कुमार का ग्लोबल हर्ष नाम से यूट्यूब चैनल है। करीब एक माह पहले यानी यूट्यूब चैनल बनाने के बाद शुरुआत में ही रवीश कुमार ने दिन के नाम प्रेम पत्र टाइटल से वीडियो बनाया था, और इसके बाद हर्ष कुमार ने वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था रवीश कुमार ने दिन के नाम प्रेम पत्र लिखा और मैंने उनके नाम ही एक पत्र लिख दिया, जिसमें रवीश कुमार पर व्यंग्य था। कुल मिलाकर इसमें रवीश कुमार की आलोचना थी। रवीश कुमार ने इस वीडियो को लेकर कॉपीराइट टेकडाउन नोटिस जारी किया। यूट्यूब ने हर्ष कुमार की वीडियो को हटा दिया है। इसके बाद हर्ष कुमार ने फेसबुक पर पोस्ट की, यूट्यूब से आए मेल को साझा किया है और लिखा है कि महान पत्रकार रवीश कुमार ने मेरे वीडियो को यूट्यूब से हटवा दिया है। मैंने उनके प्रेम पत्र की पैरोडी की थी, व्यंग बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस पर कुछ डॉलर भी मिले थे। रवीश कुमार जी को देना चाहता हूँ। किसी के पास उनका खाता नंबर है क्या? इस पोस्ट पर वरिष्ठ पत्रकार निशीद जोशी ने लिखा है कि अभिव्यक्ति की आजादी वालों का असली चेहरा यही है। जब खुद पर सवाल खड़ा हुआ तो सेंसरशिप जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं यह बताना जरूरी है कि कॉपीराइट टेकडाउन नोटिस क्या होता है। दरअसल अगर कॉपीराइट के किसी मालिक की अनुमति के बिना उसका कॉपीराइट वाला कंटेंट यूट्यूब पर इस्तेमाल किया जाता है तो वह कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से वीडियो हटाने का अनुरोध कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हर्ष कुमार ने रवीश कुमार की वीडियो को कॉपी किया था। खैर, सही तो हर्ष कुमार या रवीश कुमार ही बता सकते हैं।